हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आपके आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा की ओर से भी आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज दर्शकों आपके साथ जो हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो माह अक्टूबर 2020 का जो आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक, उन सभी 12 राशियों के जातकों का राशिफल की चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको आइए जल्दी से बता देते हैं कि इस अक्टूबर माह में 2020 अक्टूबर में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है और उस ग्रह स्थिति के अनुसार ही जो आपका ये राशिफल तैयार किया गया है, ये उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही किया गया है। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस माह क्या कैसी है और कौन सा ग्रह कहां पर किस राशि में किस स्थिति में रहेगा। सर्वप्रथम सूर्य ग्रह जो 16 सितंबर से कन्या राशि में संचार करते आ रहे हैं, लेकिन 17 अक्टूबर 2020 को ये करेंगे अपना राशि का परिवर्तन और कन्या राशि से निकल करके ये अपनी नीच की राशि एवं शत्रु राशि तुला में करेंगे प्रवेश। पूर्ण रूप से नीच के हो जाएंगे तुला राशि में। मंगल जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं, ये 4 अक्टूबर को वापस अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे और फिर पूरे माह करेंगे इसी राशि में संचार। हमसे मित्रों बहुत लोगों ने ये पूछा, बहुतों के प्रश्न आ जाते हैं जब ये बात चली है कि मंगल वक्री स्थिति में रहेंगे और वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे अपनी राशि से निकल करके 4 अक्टूबर को। तो हमें बहुत प्रश्न आए थे, फ़ोन कॉल्स आई थी, वो पूछ रहे थे कि साहब आप कहते हैं कि वक्री आप बताते हैं उल्टा, तो उल्टे में तो स्लो चाल हो जाती है। मैंने कहा बिल्कुल हो जाती है। तो बोले ये स्लो ही तो होती है, दूसरी राशि में तो नहीं है, दूसरी राशि में भी पीछे जब ये चलेंगे तो अपनी पिछली राशि में भी ग्रह प्रवेश करते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने बता दिया। ये आपके सामने एक तरीके से उसका प्रूफ है कि मंगल जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में वक्री अवस्था में संचार उनका हो रहा है, उल्टी चाल चल रहे हैं और यहां से क्योंकि ये उल्टी चाल है इनकी, तो 4 अक्टूबर को ये वापस अपनी मित्र राशि मीन में पीछे जाएंगे, अपनी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर पूरे अक्टूबर के महीने में उसी राशि में ये संचार करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 अक्टूबर को ये होंगे वक्री तथा 17 अक्टूबर से इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगी, जो पूरे माह इसी प्रकार बनी रहेगी। गुरु बृहस्पति वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि धनु में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं, जो कि पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। शनि भी वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं और पूरे माह इसी प्रकार इनका संचार इसी राशि में होता रहने वाला है। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि सिंह में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं, लेकिन 23 अक्टूबर 2020 को ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं तथा सिंह राशि से निकलेंगे और अपनी मित्र एवं नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे तथा माह के अंत तक फिर ये इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में संचार कर रहे हैं और पूरे वर्ष इसी राशि में ही इनका संचार चलता रहेगा। केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं मित्रों और पूरे वर्ष ये इसी राशि में ही इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की गोचर स्थिति आसमान में माह अक्टूबर 2020 की, जिसके आधार पर राशिफल तैयार है। आइए अब आपसे सभी राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, सभी राशियों की चर्चा आपके साथ उनके राशिफल की चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे मित्रों, आप वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका माह अक्टूबर 2020 का राशिफल क्या कहता है इसके विषय में। तो सर्वप्रथम आपके साथ चर्चा होगी आपके व्यवसाय को लेकर के। तो आइए जानते हैं कि आप वृश्चिक राशि के जातकों को इस माह के मध्य तक तो आपके अपने रोजगार या व्यापार को लेकर हालात संतोषजनक रहने वाले हैं, लेकिन उसके पश्चात अकस्मात आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याओं में वृद्धि होती हुई महसूस होगी तथा इस अवधि में आपके लिए
कुछ चुनौतियां भी बढ़ेंगी तथा बनते हुए कार्यों में या तो कुछ बाधाएं पेश आएंगी या फिर कार्य आपके बनते हुए बिगड़ सकते हैं। यह स्थिति इसलिए पैदा होगी क्योंकि महामध्य से आपके रोजगार एवं व्यापार के घर के जो स्वामी हैं उनकी जो स्थिति है वो बहुत कमजोर बनने जा रही है। हालांकि बहुत लंबे समय तक तो ये हालात ऐसे नहीं रहने वाले, लेकिन जब तक भी ऐसे हालात रहेंगे उनका सामना करने के लिए आपको अपने कार्यों के साथ कुछ आय भी मतलब उपाय क्षमा कीजिए जो भी आप ऐसे कार्य करेंगे उस समय में उनके साथ साथ कुछ उपाय भी आपको करने होंगे जो कि हम आपको आपके राशिफल बताने के बाद ही बताएंगे। अगर वह उपाय आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने कार्य क्षेत्र में जो आ रही हैं समस्याएं, आने वाली समस्याएं हैं, उनमें कमी आएगी और आप आसानी से अपनी सभी चुनौतियों का भी सामना करने में सक्षम महसूस करेंगे अपने आप को। और इतना ही नहीं, आप उनको हल करने में भी काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। हालांकि अब अपने आने वाले समय में आपकी जो प्रवृत्ति है वो धर्म कर्म के मार्ग की ओर भी आपका रुझान बढ़ेगा, प्रवृत्ति बढ़ेगी आपकी, और आपके धर्म के प्रति आस्था बढ़ने के कारण आप जो उपाय हम आपको बताएंगे वो भी आप आसानी से कर लेंगे। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। वित्तीय स्थिति, इस माह आपको होने वाली आय से अधिक खर्चों की अधिकता रहेगी, यानी जितनी आय आपको होगी उससे अधिक खर्चे। आय सामान्य रूप से ही होगी, इसलिए आपको आवश्यकता है कि आप अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सुख सुविधाओं का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे इस माह। आपका अपना संचय किया हुआ धन का कुछ हिस्सा भी आपके द्वारा खर्च किया जा सकता है इस माह। ये थी आपकी वित्तीय स्थिति। अब होगी चर्चा आपके प्रेम संबंधों के विषय में। तो यह माह आपके प्रेम संबंधों को लेकर अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। आप इस माह जो भी प्रयास करने जा रहे हैं उनमें आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। विवाहित व्यक्तियों को अगर अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बना के रखना है इस माह तो स्वयं के ऊपर भी आपने अपने नियंत्रण रखना होगा। अपनी भाषा के ऊपर, अपने व्यवहार को आपने अच्छा रखना होगा अपने जीवन साथी के साथ। और अगर आप अपना व्यवहार नम्र रखेंगे, अच्छा रखेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे अपने जीवन साथी के साथ तो परिस्थितियाँ आपके अनुकूल रह सकती हैं। पारिवारिक संबंध, पारिवारिक संबंधों की चर्चा हो जाए तो इस माह आपके अपने परिवार के साथ जो संबंध है ना तो उनमें किसी प्रकार का कोई तनाव ही दिखाई दे रहा है और ना ही संबंध बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एवरेज सामान्य। कहने का भाव ये हुआ कि अगर आप अपने छोटे भाई बहनों के अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य से सहयोग की कोई अपेक्षा करते हैं या पिता से तो निराश ही होंगे। पिता से भी बहुत मामूली ही सहयोग प्राप्त आपको हो पाएगा, अधिक मात्रा में नहीं हो पाएगा। शिक्षा, जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें अपनी शिक्षा प्राप्ति में बीच बीच में बाधाओं का एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जहां तक परिणामों का प्रश्न है तो सामान्य परिणाम ही प्राप्त होने की आशा है। संतान, संतान को लेकर आपके मन में चिंता बनी रहने वाली है इस माह तथा संतान की ओर से विशेष सहयोग की आप आशा ना रखें। और अगर संतान अभी पढ़ाई आदि ही कर रही है, पढ़ाई में ही है, अभी शिक्षा प्राप्त कर रही है तो फिर आपको उन्हें सहयोग भी देना आपके लिए आवश्यक होगा और उनका मार्गदर्शन भी प्रॉपर वे में करना होगा कि आखिर क्या परेशानियां हैं उनको जिनका आप समाधान निकाल सकते हैं ताकि उनके लिए आसानी हो जाए अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से आगे चलाने में। स्वास्थ्य, इस माह आपका अपना स्वास्थ्य मध्यम रहने वाला है। आपको ब्लड से संबंधित कोई शिकायत हो सकती है जैसे ब्लड प्रेशर हो गया इत्यादि। उपाय, कौन से सरल उपाय हैं कि जिनको अगर इस पूरे माह करेंगे तो आपको आने वाली जो ये समस्याएं हैं ये भी दूर हो जाए। तो सर्वप्रथम है कि प्रातःकाल प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को जल अर्पित करना ना भूलें और आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ नियमित रूप से करें। शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद खाने की चीज़ें वस्तुएँ जैसे खीर, मावे की बर्फी इत्यादि। गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करते रहिए।
ये है सरल उपाय। तो मित्रों, आप वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका ये था राशिफल माह अक्टूबर 2020 के लिए। अगर आपको ये राशिफल पसंद है आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।